N24। जिला प्रशासन की उदासीनता व केसला धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों की मनमानी रवैये से आक्रोशित क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने शुक्रवार को रायगढ़ उड़ीसा मुख्य मार्ग जाम कर धान खरीदी की मांग करते रहे। जिला प्रशासन की उदासीनता व केसला धान खरीदी केंद्र सोसाइटी के कर्मचारियों की मनमानी रवैये से आक्रोशित क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने शुक्रवार को रायगढ़ उड़ीसा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस सोसाइटी के अंतर्गत 16 गांव और 10 पंचायतों के करीब 250 किसानों ने 15,000 क्विंटल धान खरीदी नहीं होने से इन किसानों ने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है। किसानों द्वारा चक्का जाम किए जाने की खबर मिलने के बाद तत्काल रायगढ़ के युवा विधायक प्रकाश नायक मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कुछ देर किसानों के साथ सड़क पर बैठकर कलेक्टर व डीआर के संबंध में चर्चा की। बाद में आश्वस्त किया कि 4-5 दिन के अंदर ही किसानों के धान की खरीदी कर ली जाएगी। इस पर विधायक ने समझाइश के बाद किसानों ने अपना चक्का जाम समाप्त किया। केसला सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले ग्राम के किसानों ने ओडिशा मुख्य मार्ग पर शुक्रवार को सुबह करीब 12 बजे से चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया था। देखते ही देखते रायगढ़ रेंगनापाली उड़ीसा मुख्य मार्ग पर सड़कों की दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। घंटों तक जाम लगने से लोग परेशान होने लगे, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जब इसकी जानकारी रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक को हुई तो उन्होंने कलेक्टर से चर्चा करते हुए किसानों को उनकी परेशानियों से राहत दिलाने के लिए चर्चा की। इसी के साथ तत्काल में किसानों के आंदोलन स्थल पर पहुंचकर उन्होंने किसानों को समझाइश दी कि प्रशासन से बात कर ली गई है, प्रशासन ने 2-3 दिन का समय मांगा है जिसके बाद सभी किसानों का धान खरीद लिया जाएगा और किसी प्रकार का किसानों को तकलीफ नहीं होगा। विधायक की समझाइश पर सैकड़ों किसानों ने अपना चक्का जाम समाप्त किया, जिससे वहां के आमजनों ने राहत की सांस ली। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN24।